हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम ट्रायंगुलर पैटर्न अपना बनाएंगे। इसमें हमारा पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि जैसे एन की वैल्यू अगर 4 है तो 1, देन उसके बाद 2 1, देन थर्ड रो में 3 2 1, फोर्थ रो में 4 3 2 1। सो गाइस, है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही, लेकिन इसमें पैटर्न कैसे चल रहे हैं, नंबर रिवर्स हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, 4 3 2 1। तो इस हिसाब से तो हमें अपनी वही तीन चीज़ें हम इसमें से निकालेंगे, जिससे हमें पैटर्न बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि इसमें अगर n 4 है तो रोज़ कितनी है। तो अगर n 4 के लिए अगर हमने यूज़र से 4 लिया तो इस पैटर्न में रोज़ कितनी है, 1 2 3 एंड 4, चार रोज़ हैं। तो इसमें चार रोज़ मतलब कि एन रोज़ हैं। सबसे पहले तो हमें रोज़ देखनी कि एन रोज़ है। अब देखना है कॉलम कितने हैं। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट रो है तो एक ही कॉलम है, सेकंड रो में 2 कॉलम है, थर्ड रो में 3 कॉलम है, और फोर्थ रो में 4 कॉलम है। मतलब रो अगर फर्स्ट है तो कॉलम भी एक है, रो अगर फोर्थ है तो कॉलम 4 है। तो मतलब कि कॉलम कितने हैं, जितनी रो है, जौन सी रो है, रो नंबर अगर थर्ड है तो उतने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, अब पेस्ट मतलब प्रिंट क्या करना है। अब प्रिंट क्या करना है, यही यहाँ पे दिमाग लगाना है कि प्रिंट क्या करना है, वो हम प्रोग्राम के साथ साथ देखेंगे कि हमें प्रिंट क्या करना है। तो अब हमें पैटर्न समझ आ गया, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना। तो सबसे पहले कि वही कि एन हम यूज़र से ले लेंगे और स्ट्रिंग को हमने इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे रो का, जिसको हम 1 से इनिशियलाइज़ कर देंगे कि रो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 3 4। आप इसको 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 11 12 13, मर्जी आपकी। 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको 1 दे दिया नाम, इसको 2 फिर 3 इसको 4, ये होती जाएगी अपने। ठीक है, रो 1 कर दिया। अब रो कब तक चलेगा, वाइल रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। अब n 5 हो, 5 के लिए प्रिंट होगा, n 6 हो तो 6 तक जाएगा रो, n जितना होगा रो वहाँ तक जाएगा, ये वाइल लूप ये बता रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक वेरिएबल लेंगे कॉलम का, जिसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि रो तो चलेगी ना, कॉलम भी तो प्रिंट करवाना है, सिर्फ ये वाली ये थोड़ी प्रिंट करवाना है, कॉलम भी तो करवाना है, ये वाला ये वाला ये वाला। अब कॉलम का कब तक चलेगा, वाइल कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई तक, आई सॉरी रो। अब कॉलम कब तक चलेगा, जब तक रो है, मतलब अगर रो 1 है तो कॉलम भी 1 प्रिंट होगा ना, अगर रो थर्ड है तो कॉलम भी कब तक चलेगा, कॉलम का लूप रूप चलेगा 3 बार, 1 2 और 3, चौथी बार नहीं चलेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर रो चौथी है तो कॉलम कब तक चलेगा, रो तक, रो कितने हैं, चौथी, तो 1 2 3 4, चार ही कॉलम चलेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे जब ऐसा होगा तो प्रिंट क्या होगा, ये देखना है। अब प्रिंट क्या होगा, इसके लिए मैं स्पेस अभी छोड़ देता हूँ, अभी मुझे नहीं पता, मान लो, लेकिन हम एंड अपना तो एंड तो लगाएंगे कि भाई हमें एक एंड तो चाहिए कि लाइन चेंज ना हो जब तक कि हम ना चाहें। एंड से क्या होगा, एक स्पेस पड़ जाएगा, अगर मैं एंड नहीं लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये ऐसे प्रिंट होने लग जाएगा, 1 2 1 3 2 1, मतलब ये हर एक चीज़ एक एक लाइन में प्रिंट होने लग जाएगी और वो गड़बड़ है, इसलिए हम यहाँ पे आए। अब इसके बाद हमें कॉलम को 1 पे थोड़ी रोक लेना है, कॉलम को इंक्रीमेंट भी तो करना है, 1 के बाद 2 हो फिर 3 हो फिर 4 हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1, और यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन लगाएंगे लाइन चेंज करने के लिए, और यहाँ पे हम करेंगे रो को इंक्रीमेंट, रो प्लस 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये सोचना है कि हमें प्रिंट क्या करना है, यही तो चीज़ है सारी। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रो प्लस रो माइनस कॉलम प्लस 1, तो क्या ये काम करेगा, तो एक बार हम इसको देखते हैं रन करके। तो यहाँ पे मैंने डाला 4 और हाँ बिल्कुल ये काम कर रहा है। सो अब इसको फटाफट से ड्राई रन करते हैं। तो गाइज, मेरे पास रो है, मैंने आर ले लिया 1, ठीक है, रो को मैंने आर मान लिया यहाँ पे। अब रो कब तक चलेगा, एन तक, एन क्या है 4, कैसे, क्योंकि रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, हाँ बिल्कुल, रो 1 है और एन से छोटा है तो चलेगा। और उसके बाद क्या करो, कॉलम को 1 कर दो, कॉलम को मैंने ले लिया सी और इसको कर दिया 1,
ठीक है, कॉलम इक्वल्स टू वन हो गया, रो इक्वल्स टू वन है। अब कॉलम वाला कब तक चलेगा? अब रो वाला क्या है? रो वाले के लिए ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, रो पहली है, ठीक है, कॉलम पहला है, कॉलम का कब तक चलेगा? रो तक, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम का कब तक चलेगा? कॉलम जब तक कि लेस देन इक्वल्स टू रो है, लेस देन तो नहीं है वन वन के, लेकिन इक्वल्स तो है, हाँ तो चलेगा। तो प्रिंट क्या कर दो, रो माइनस कॉलम प्लस वन, रो में से कॉलम माइनस करो वन माइनस वन, फिर प्लस वन कर दो, और जो भी आंसर आए उसको प्रिंट कर दो, तो वन आंसर आएगा, प्रिंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आए कॉलम इक्वल्स टू कॉलम प्लस वन, अब कॉलम में एक और ऐड कर दो, कॉलम हो गया टू। तो जब कॉलम टू हुआ, फिर वाइल लूप पे गया, क्या कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो है? तो नहीं, क्योंकि कॉलम तो ग्रेटर है ना, लेस देन भी नहीं और इक्वल टू भी नहीं है। फिर यहाँ ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी और आएगा प्रिंट पे। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ इसका काम है कि लाइन चेंज करना, खाली प्रिंट फंक्शन का काम क्या है यहाँ पे? लाइन चेंज करना। तो लाइन चेंज जैसे कि रो इक्वल्स टू रो प्लस वन हो गया, मतलब रो में एक और ऐड हो गया, तो रो हो गई टू। अब सेकेंड रो पे पहुँच गए, हम सेकेंड रो पे पहुँच गए, ये यहाँ पे आया वाइल पे, टू इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, एन क्या है? फोर है, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो कॉलम को कर दो वन। तो कॉलम तो टू हो गया था, कॉलम को फिर से कर दिया वन। फिर अब कॉलम कब तक चलेगा? इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो तक, मतलब रो कितना है? टू, तो कॉलम भी मेरे ख्याल से क्या कह रहा हूँ, दो बार ही चलेगा, 100% कॉलम भी दो बार चलेगा, क्योंकि कॉलम जब तक लेस और इक्वल रहेगा रो के, तब तक चलता रहेगा। तो ठीक है, तो दो बार चलेगा, तो क्या प्रिंट करना है? रो माइनस कॉलम प्लस वन, तो रो कितना है? टू, माइनस कॉलम कितना है? वन, प्लस वन किया तो क्या हो जाता है? टू, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आया, तो कॉलम को इंक्रीमेंट कर दो वन से, अब ये हट गया, कॉलम इंक्रीमेंट हो गया वन से। फिर उसके बाद चेक हुआ, तो ये ट्रू हो गया, मतलब कि यहाँ पे आएगा प्रिंट फंक्शन क्या करेगा? रो माइनस कॉलम, टू माइनस टू और प्लस वन, तो सिर्फ वन बचता है, तो यहाँ पे ये दूसरे कॉलम में वन प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉलम हो जाएगा थ्री, कॉलम थ्री होगा लेकिन यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि फॉल्स हो जाएगा। फिर आया प्रिंट फंक्शन पे, प्रिंट फंक्शन कहेगा भाई लाइन चेंज करो, और रो कहेगा रो प्लस वन, कि रो जो टू था अब रो हो गया थ्री, तो रो थ्री हो गया, थर्ड रो पे पहुँच गए। अब थर्ड रो है, तो यहाँ पे चेक किया, रो लेस देन इक्वल्स टू है फोर के, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो कॉलम को फिर से वन कर दो, अब कॉलम हो गया फिर से वन। उसके बाद कॉलम कब तक चलेगा? लेस देन इक्वल्स टू रो तक, जितनी रो है, वन टू थ्री, थ्री तक चलेगा, चौथे पे नहीं चलेगा, मतलब तीन तक चलेगा कॉलम। तो पहला जो कॉलम होगा वो कैसे प्रिंट होगा? रो माइनस कॉलम, अब रो कितना है? थ्री, माइनस कॉलम कितना है? वन, और प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री। फिर कॉलम इक्वल्स टू कॉलम प्लस वन, अब कॉलम इंक्रीमेंट होकर टू हो गया, तो थ्री माइनस टू प्लस वन, तो क्या आएगा? टू, सेकेंड कॉलम में टू प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद कॉलम इंक्रीमेंट हो जाएगा थ्री से, तो थ्री माइनस थ्री प्लस वन, वन। फिर ऐसे ही फिर प्रिंट फंक्शन पे कॉलम हो जाएगा फोर, और फोर पे यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, तो ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट पे आएगा, प्रिंट क्या करेगा? न्यू लाइन, न्यू लाइन करते रो इक्वल्स टू रो प्लस वन हो जाएगा, रो हो जाएगा फोर, और रो फोर होगा तो कॉलम भी फोर के लिए चलेगा, तो यहाँ पे फोर थ्री टू वन ऐसा प्रिंट होगा। और फिर उसके बाद होते ही रो हो जाएगा फाइव, जैसे ही रो फाइव होगा यहाँ पे आएगा वाइल फाइव इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन तक चलाना है, मतलब क्या फाइव लेस देन या इक्वल्स टू है एन कितना है? फोर, फोर के तो नहीं भाई, फाइव तो है नहीं, फाइव तो ग्रेटर है और इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ऐसा होते ही ये जो चीज़ है ये एग्जीक्यूट फिर नहीं होगी, तो जितना हमारा स्टेट ये प्रिंट हो चुका है उतना प्रिंट रहेगा। सो गाइज, अगर आपका कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपनी साइड से एक बार ड्राई रन कर लेना इसको। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notifications.